कितना सुरक्षित है आरोग्य सेतु ऐप? क्या आरोग्य सेतु पर आपकी जानकारी सुरक्षित है? क्या आरोग्य सेतु के जरिए आपकी जासूसी की जा रही है? आरोग्य सेतु ऐप, ये वो ऐप है जिसे कोरोना से लड़ने के लिए भारत सरकार सबसे बड़ा हथियार बता रही है। सरकार ने सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों के लिए इस ऐप को डाउनलोड करना अनिवार्य कर रखा है। नोएडा जैसे कई रेड जोन इलाकों के प्रशासन ने ऐप डाउनलोड ना करने पर कानूनी कार्रवाई के आदेश दे रखे हैं। यानी ऐसे इलाकों में आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आपको जेल भी हो सकती है। लेकिन साइबर एक्सपर्ट्स इस ऐप को लेकर गंभीर चिंताएं जता रहे हैं। मशहूर एथिकल हैकर एलियोट एल्डरसन ने आरोग्य सेतु ऐप में गंभीर सुरक्षा चूक की ओर इशारा किया। उन्होंने ऐप में कई ऐसी खामियां ढूंढ निकाली जिससे आपके डाटा को एक्सेस किया जा सकता है। एलियोट ने तो ये भी दावा किया कि कोई भी हैकर बड़ी ही आसानी से इस ऐप को हैक कर सकता है। 6 मई को मीडियम साइबर सिक्योरिटी वेबसाइट पर प्रकाशित अपने लेख में वो कहते हैं, ये समस्याजनक क्यों है? सिर्फ एक ही क्लिक से कोई भी हैकर आसानी से ऐप यूजर के डेटाबेस और अंदरूनी फाइल्स तक पहुंच सकता है। एलियोट के इस खुलासे के बाद भारत सरकार ने बयान जारी कर कहा कि संभावित खतरे को दूर करने की कोशिश की जा रही है। साइबर एक्सपर्ट्स के अलावा कांग्रेस जैसी पार्टियां भी इस ऐप को नागरिकों की जासूसी का औजार बता रही हैं। तो जो आरोग्य सेतु का वो ऐप है उसको हैकर्स ने तो उसको क्रैक भी कर दिया है, वो तो पब्लिक नॉलेज है। मगर मेरा मेन उसमें मेरी मेन इशू उसमें ये है कि आप उसको ओपन सोर्स करिए। उसका जो इंटरनल प्रोग्राम है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो पूरा सबको खोल के दिखा दीजिए। सिंगापुर का जो ऐप है वो ओपन सोर्स है, उसको कोई भी खोल के देख सकता है। तो मेरा कहना है कि आप ट्रांसपेरेंसी लाइए, कंफर्ट दीजिए लोगों को, और फिर आप ट्रांसपेरेंसी लाएंगे और कंफर्ट देंगे तो फिर आप ऐप चलाना चाहते हैं चला सकते हैं। आरोग्य सेतु पर और रिसर्च जानने से पहले आप ये समझ लीजिए कि ये ऐप काम कैसे करता है। ऐप डाउनलोड करने पर आपको अपना नाम, पता, लिंग, मोबाइल नंबर, ट्रेवल हिस्ट्री और हेल्थ डिटेल्स देनी पड़ती हैं। ये ऐप ब्लूटूथ, GPS और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करता है। यानी ऐप आपकी लोकेशन ट्रेस करता रहेगा। आप अगर किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आए जिसने ये ऐप डाउनलोड कर रखा है तो वो भी अपने आप पता चल जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे कोरोना संक्रमण को रोकने में आसानी होगी, लेकिन साइबर एक्सपर्ट इसकी सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर चिंता जता चुके हैं। MIT टेक्नोलॉजी रिव्यूज वेबसाइट पर अपने आर्टिकल में पैट्रिक होवेल ओनील लिखते हैं, भारत के पास कोई राष्ट्रीय डेटा प्राइवेसी कानून नहीं है। यह भी साफ नहीं है कि ऐप के डेटा तक किसे पहुंचने का हक है और किन हालातों में डेटा एक्सेस किया जा सकता है। इसको लेकर कोई पारदर्शी और मजबूत नीति नहीं है। आरोग्य सेतु की ऐप की प्राइवेसी को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए तो सरकार को सामने आना पड़ा। सरकार ने अब आरोग्य सेतु के डेटा की प्रोसेसिंग को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक डेटा को 6 महीने से ज्यादा वक्त तक स्टोर नहीं किया जा सकता। नियमों का उल्लंघन करने वाले को 6 महीने तक की जेल हो सकती है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक कोई यूजर अपनी जानकारी डिलीट करने की गुजारिश भी कर सकता है, जिसे 30 दिन में किया जाएगा। इसमें जो भारत की लड़ाई है COVID-19 से, उसमें आरोग्य सेतु ने बहुत बड़ा योगदान दिया है और आगे भी चलकर देगा। तो इसमें प्राइवेसी फर्स्ट डिजाइन इसमें रखा गया कि प्राइवेसी को ध्यान में रखकर ये ऐप बनाया गया। और इसके अलावा हर तरह की जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो सभी तक पहुंचे, उसके लिए भी हम इस ऐप का उपयोग करते हैं। इस समय करीब 10 करोड़ लोग आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर चुके हैं। रेलवे ने भी स्पेशल ट्रेनों में यात्रा करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य कर दिया है। इस पर इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने आपत्ति जताई है। IFF ने ट्विटर पर लिखा,
ट्रेन में यात्रा करने के लिए रेलवे द्वारा आरोग्य सेतु ऐप की अनिवार्यता समाज के बड़े हिस्से को बहिष्कृत कर सकती है। तकनीकी विकास सभी को मिलाकर रखने का जरिया होना चाहिए, ऐसा करना गैर संवैधानिक है। वहीं दैनिक भास्कर की वेबसाइट पर प्रकाशित अपने लेख में कांग्रेस सांसद शशि थरूर लिखते हैं, समस्या का लोकतांत्रिक समाधान ये है कि सैप में लोगों का भरोसा पैदा करना चाहिए, लेकिन भारत इस चुनौती को हर एक के लिए इस ऐप को बाध्यकारी बनाकर जीतना चाहता है। इस बात के संकेत हैं कि आने वाले स्मार्टफोन में ये ऐप पहले से ही इंस्टॉल होकर आएगा। आप जल्द ही मेट्रो या किसी सार्वजनिक वाहन में इस ऐप को दिखाए बिना नहीं जा सकेंगे। सरकार के मौजूदा डेटाबेस को मिलाकर ये ऐप यूजर की हर गतिविधि को संयुक्त तौर पर दिखाएगा। इसलिए सबसे बड़ी चिंता निजता और भारतीय नागरिकों पर स्थायी निगरानी से जुड़ी है। वहीं मशहूर लेखिका अरुंधति रॉय ने द गार्जियन से कहा था, कोरोना से पहले हम एक निगरानी वाले देश में नींद में चल रहे थे, लेकिन अब हम एक सुपर निगरानी वाले देश में घबराहट में दौड़ रहे हैं। वहीं साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल बीबीसी को दिए इंटरव्यू में कहते हैं, पूरी दुनिया के परिवेश में देखें तो एक नया वर्ल्ड साइबर ऑर्डर आ रहा है, जहां पर सरकारें अपनी शक्तियों को और ज्यादा मजबूत कर रही हैं और इस महामारी के आधार पर लोगों के अधिकारों के उल्लंघन का लाइसेंस ले रही हैं। लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि ये महामारी सिर्फ इंसानों को खत्म नहीं करेगी, जब हालात सामान्य होंगे तो लोगों को पता चलेगा कि उनकी जानकारियों का दुरुपयोग हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील नितिन मेश्राम ने 16 अप्रैल को ही इस बारे में आगाह किया था। उन्होंने ट्विटर पर लिखा था, मेरा आरोप है कि भारत सरकार लोगों की जानकारियां चुरा रही है। संसद पर डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर दबाव बनाइए, जिसमें अपराध की स्पष्ट परिभाषा हो और दंड भी, वरना एक दिन लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य बनाए रखने के खिलाफ देश की कई अदालतों में याचिकाएं दायर की गई हैं। केरल हाईकोर्ट ने ऐसी ही एक याचिका को 18 मई तक सुनवाई के लिए टाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द शूद्र। साथियों, अंबेडकरवादी पत्रकारिता को आगे बढ़ाएं, मासिक मेंबरशिप लेकर द शूद्रा की आर्थिक मदद करें। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें द शूद्र और बेल आइकन दबाना ना भूलें।